डबल मनी मामले में पुलिस और भाजपा नेताओं की मिलीभगत, कहना है कंकर मुंजारे का। मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत वन विभाग द्वारा किया गया सामग्री का वितरण। आयुष मंत्री, कावरे के क्षेत्र में परसवाड़ा रक्षाबंधन मेगा महोत्सव का आयोजन किया गया। जिले के लांजी व किरनापुर क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले के उजागर होते ही प्रारंभ से ही इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। सबसे पहले 17 मई 2022 को बालाघाट में पत्रकार वार्ता एवं 1 जून 2022 को भोपाल में पत्रकार वार्ता करके इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी। लगातार सीबीआई जांच की मांग करने के दबाव बनाने के कारण राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपये के इस रकम दोगुनी करने के कारोबार की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। उक्त बातें पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने शनिवार को अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं भाजपा नेताओं के मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। सबसे पहले हमने मांग की थी कि सीबीआई की इसमें जांच होना चाहिए, बहुत बड़ा मामला है तो इसमें इसलिए भी जांच की जरूरत थी कि उसमें के कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी, इन्होंने जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल करने के बाद भी वो धंधा चलता रहा, कारोबार चलता रहा, इसका मतलब क्या जाँच की उन्होंने? उन्होंने लेन देन करके जाँच को ख़त्म कर दिया और कारोबार को चलने दिया, धंधा चलने दिया। और उन्होंने भी मेरी जानकारी में इन्होंने भी करोड़ों रुपये वहाँ से वसूल किए, तो इसमें ये मामला सीबीआई का था और उसमें राजनेता शामिल है, बहुत भाजपा के नेता लोग शामिल है इसमें। शिवराज सिंह चौहान जब किरनापुर में आए थे वहाँ पे सारा इंतजाम लस्सी बुला के दी गई थी नागपुर से, छत्तीसगढ़ से, और पूरा इंतजाम खाने पीने का सुमन कंकराना ने किया था। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अनुसार वन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों को 1 सितंबर 2023 को वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य अंतर्गत जूता, चप्पल, साड़ी, पानी बोतल प्रदाय किया गया। इस कार्यक्रम में भगत सिंह नेताम, भूतपूर्व विधायक बैहर, मुरलीधर नरसवानी, भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा मोहबल सिंह उइके, वन सभापति अमित बिसेन, मंडल अध्यक्ष उकवा विजय पतले, महामंत्री बलवंत टेकाम, महामंत्री अशोक वरकड़े, सरपंच ग्राम पंचायत गुदमा कुमारी अनुसुया क्षत्रिय, सरपंच ग्राम पंचायत उकवा तपेश घुले, राजकुमार जी मोर्चा प्रभारी हरिश्चंद्र पंद्रे, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत उमरिया एवं मती उषा गिरे, महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा आदि उपस्थित रहे। जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कटंगी से मुर्री मार्ग लंबाई लगभग 2 से 3 किलोमीटर, जो कि बहुत लंबे समय से कच्ची एवं गिट्टी वाली सड़क थी। यह मार्ग ग्रामीणों को हट्टा मुर्री बालाघाट किरनापुर की ओर जाने वाले मार्ग से जोड़ती है। लंबे अंतराल के बाद यह डामर सड़क निर्मित की गई, किंतु शासन प्रशासन की उदासीनता के परिणाम स्वरूप चंद महीनों में ही यह सड़क जर्जर होते गई और बारिश लगते से ही एवं आवागमन होने से यह सड़क डामर उखड़कर बड़े बड़े गड्ढे बनने लगे हैं। जगह जगह सड़क में गड्ढे होने की वजह से दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। सवाल उठना लाजमी है, क्या आम जनता को इसकी जानकारी देना उचित नहीं समझा जा रहा है? माननीय आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में परसवाड़ा रक्षाबंधन मेगा महोत्सव का आयोजन 1 सितंबर 2023 को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में किया गया। 1 सितंबर को मंत्री श्री कावरे ने सबसे पहले अपनी बहन श्रीमती मौसमी बिसेन हिरनखेड़े से रक्षा सूत्र बंधवाकर इसकी शुरुआत की। इसी क्रम में मंत्री श्री कावरे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भेड़ी पहुंचे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेड़ी में अध्ययनरत बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर परसवाड़ा रक्षाबंधन मेगा महोत्सव मनाया। मंत्री श्री कावरे ने बहनों से कहा कि एक भाई होने के नाते अपनी बहनों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक अर्जित कर अपने गांव एवं क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी।